सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। कोरोना वायरस से लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सामाजिक संगठन मेवात आरटीआई मंच द्वारा राजुद्दीन जंग ने जिला उपायुक्त को 11,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये 11,000 रुपये जिले के सीएसआर फंड में दिए जाएंगे, जिसमें से आज 5,000 रुपये का चेक डीसी पंकज को दिया गया। इस अवसर पर राजुद्दीन जंग ने कहा कि हमारा मिशन है लॉकडाउन के दौरान कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना सोए। ये कुल 11,000 का दान है, इसमें से 5,100 रुपये हमने आज दिए हैं और बाकी कल देंगे। ये डिस्ट्रिक्ट का सीएसआर में दिया है। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री राहत कोष को दिया था 11,000 रुपये, बल्कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए हमने जो बड़कली चौक है, नगीना है, पिनंगवा है, ये और आसपास के गांव हैं, उनमें उनकी ज़रूरत के हिसाब से राशन हम लगातार दे रहे हैं। पहले हम पका भी दे रहे थे और पिछले हफ्ता से हम सिर्फ सूखा राशन दे रहे हैं, ड्राई दे रहे हैं। तो 150 से 200 परिवार हैं जिनको हम लगातार राशन दे रहे हैं। कुछ रोज़ाना हमें पता लग रहा है कि भाई कुछ परिवार हैं, जैसे पता लगता है तो हम एक बार चेक कराते हैं, अगर उसे ज़रूरत है तो हम दे देते हैं। हम ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं। हमारा ये है कोई भूख से भूखा ना सोए, दो वक्त कम से कम उसे भोजन मिले। ये जो मदद कर रहे हैं हम, मेवात आरटीआई मंच हमारा एक स्वयंसेवी संगठन है जो खुद से लोगों की मदद करता आ रहा है लगभग 20 साल से, और हम उसी के तहत अब भी मदद कर रहे हैं। हमारे कुछ स्वयंसेवक हैं तो मेवात आरटीआई मंच के तहत मदद कर रहे हैं। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।